हुआ कत्ल, कहां हुई चोरी, कहां हुई है सबसे बड़ी वारदात, किसकी तलाश में धरपकड़ कर रही है हिमाचल प्रदेश पुलिस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव शर्मा। एक नजर डालते हैं अभी तक के क्राइम अपडेट पर। डॉक्टर की लापरवाही से ठियोग की महिला की हालत हुई नाजुक। महिला शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती। ठियोग के डॉक्टर ने अबॉर्शन करने का किया था दावा। अबॉर्शन करने से महिला की कटी आंत। ठियोग थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बाईस दिन के बाद मिला बिलासपुर के जिला अस्पताल से लापता हुए बैंक मैनेजर का शव। बिलासपुर के सटे जंगल में मिला शव। कोऑपरेटिव बैंक में तैनात था अमरनाथ। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में कराया था भर्ती। कांगड़ा के इंदौरा में हुआ बड़ा सड़क हादसा। डमटाल में एक स्कॉर्पियो कार टकराई गलत दिशा में खड़े ट्रोले से। एक की हुई मौत, चार गंभीर रूप से घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने किया मामला दर्ज। शुरू हुई मामले की जांच। कुल्लू पुलिस ने छेड़ा चरस माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान बजोरा के पास पुलिस ने एक युवक से बरामद की 290 ग्राम चरस, तो दूसरे युवक से बरामद की 313 ग्राम चरस। जारी रहेगा पुलिस का ये अभियान। वाहन यातायात कानून तोड़ा तो अब खैर नहीं। महज 24 घंटे के अंदर शिमला पुलिस ने किए 203 वाहनों के चालान। 79 वाहनों को किया गया जब्त। 3100 रुपए का वसूला गया जुर्माना। जारी रहेगी पुलिस की मुहिम। तो ये था अभी तक का सिटी क्राइम अपडेट। लेकिन आप होशियार रहिए, सावधान रहिए, खबरदार रहिए। जल्द हाजिर होंगे क्राइम अपडेट को लेकर। संजीव शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।